नागपूर रेल्वे स्थानकावर थांबलेल्या ट्रेनमधून नळांची चोरी करणाऱ्या आरोपीला रेल्वे पोलिसांनी अटक केली असून आरोपी व त्याच्या साथीदाराजवळून पोलिसांनी विविध नळांच्या तब्बल 55 तोट्या जप्त केल्या. रेल्वे सुरक्षा बल नागपूर पोलीस ठाण्यात मागील काही दिवसांपासून तक्रार येत होती की नागपूर रेल्वे स्थानकावरून जाणाऱ्या रेल्वेच्या शौचालयातून नळ चोरीला जात असल्यामुळे कोचमधून पाणी जातं. रेल्वे पोलीस दलाने या तक्रारीला गंभीरतेने घेत चोरीचा छडा लावण्यासाठी पोलीस निरीक्षक RL मीना यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक पथक तयार केलं व या पथकाला नागपूर स्थानकावर येणाऱ्या प्रत्येक ट्रेनच्या प्रत्येक कोचवर लक्ष ठेवण्यास सांगितलं. दरम्यान प्लॅटफॉर्म क्रमांक 5 आलेल्या ट्रेन नंबर 22141 या गाडीची तपासणी सुरू असताना गाडीच्या एका कोचमध्ये एक तरुण शौचालयातील नळ काढून चोरी करत असताना पोलिसांनी त्याला रंगेहात पकडले. पोलिसांनी या तरुणाची चौकशी केली असता त्याने आपले नाव सिकंदर जाहिद खान असे सांगितले. सिकंदर नागपुरातील अन्सार नगरातील हंसापुरी येथील रहिवासी आहे. पोलिसांनी सिकंदर जवळून अंदाजे 6,000 रुपये किमतीचे नळ हस्तगत केले. पोलिसांनी आरोपीची अधिक चौकशी केली असता त्याने याआधी चोरी केलेले नळ महात्मा फुले बाजारातील एका दुकानदाराला विकल्याचे सांगितले. पोलिसांनी या ठिकाणी जाऊन दुकानदार सूर्यशेखर उर्फ पिंकू रमेशचंद्र गुप्ता याला आपल्या ताब्यात घेतले. पोलिसांनी पिंकू जवळून जवळपास विविध प्रकारचे 45 लोखंडाचे नळांचे नग जप्त केले असून या नळांची किंमत 5,700 रुपये असल्याचे सांगण्यात येत आहे. रेल्वे पोलिसांनी दोन्ही आरोपींजवळून 11,700 रुपयांचे एकूण 55 नळाचे नग जप्त केले असून आरोपींवर रेल्वे अधिनियमाअंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. पिछले 3-4 दिन से स्टेशन पे अपने कंट्रोल के माध्यम से और कंसर्न डिपार्टमेंट से बार बार सूचना मिल रही थी कि नागपुर स्टेशन से जो गाड़ियाँ गुजर रही है उसमें नल चोरी की शिकायत या नल मिसिंग के मैसेज मिल रहे थे. इसकी सूचना के अनुसार हमारे वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री आशुतोष पांडे साहब के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया और टीम को निर्देश दिया गया कि प्लेटफॉर्म पर जो भी गाड़ी आएगी या खड़ी रहेगी या गुजरने वाली गाड़ी के प्रत्येक कोच को प्रत्येक ट्रेन को चेक करेंगे ताकि ऐसी कोई घटना एक्चुअल में हुई है या फिर ऐसा कहीं बाहर हो रही है. इसी जानकारी के लिए हमने एक टीम बनाकर गाड़ी को चेक कर रहे थे. चेकिंग के दौरान कल दिनांक 7/1/2022 को समय लगभग 12:45 बजे एक ट्रेन आई. ट्रेन को चेक करते समय B3 के टॉयलेट में एक व्यक्ति नल निकालता हुआ मिला तो उसके पास में चेक करने पर 10 नल निकाले हुए मिले उस ट्रेन से. तो उससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम सिकंदर जाहिद खान उम्र 35 वर्ष पता ये डोबी नगर अनसार नगर मोमिनपुरा नागपुर बताया. जिससे पूछताछ किया तो उसने बताया कि वो पिछले 3-4 दिन से जो भी गाड़ी थी ऐसे जो मौका देख के वो नल निकाल लेता था और बाजार में जाकर एक दुकान पे उस नल को बेचता था. तो उसकी निशानदेही पर उस दुकान पर जाके चेक किया गया तो दुकान पर बैठे हुए व्यक्ति जो दुकान मालिक है उसका नाम है सूर्यशेखर उर्फ पिंकू गुप्ता. उम्र उसका 38 वर्ष. उसका पता है छोटी खदान के पास हंसापुरी गांधीबाग नागपुर. पूछताछ करने पर उसने उसको पहचाना और एक्सेप्ट किया कि इसने मुझे कुछ नल जो रेलवे के निकाले हुए थे लाके मुझे बेचा है. तो उसके पास से उसने अपनी दुकान में से 45 नल जो चोरी के उसने खरीदे थे वो निकाल के भी सुपुर्द किए. बाद में दोनों को लाकर RPF थाना नागपुर लाकर पूछताछ करने पर दोनों ने रेलवे से नल चोरी करना कबूल किया. इसलिए दोनों के खिलाफ RPF थाना में RPUP एक्ट और रेल अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत करके मामले की जांच जारी है.